डॉक्टर साहब, मुझे ना कई दिनों से मेरी छाती में सूजन और भारीपन लग रहा था और एक गांठ जैसी भी लग रही थी, तो मुझे लगा मुझे आपके पास आना चाहिए, इसलिए मैं आपके पास आई। सोनाली जी, ये सभी चीजें तो आपने बताई, वो कितने दिनों से हो रही है आपको? डॉक्टर साहब, मुझे ये सब लक्षण तकरीबन कई एक महीने से हो रहे हैं। ये एक महीने से आपको हो रही है, तो आप इतनी लेट क्यों आए, आप पहले क्यों नहीं आए? डॉक्टर साहब, मैं पहले इसलिए नहीं आई क्योंकि पहले मुझे लगा कि ये कोई नॉर्मल छाती का इन्फेक्शन होगा या सूजन होगी। अब थोड़े दिनों से मुझे ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, छाती में ज़्यादा गांठ ज़्यादा हो गई थी, इसलिए मुझे लगा कि मुझे आपके पास आना चाहिए। देखिए सोनाली जी, यहीं पर लोग लापरवाही करते हैं, ठीक है। जब आपको कुछ अपने शरीर में एबनॉर्मल लगना शुरू हुआ था, आपने उसे ध्यान देना शुरू किया कि ये सब लक्षण जो आपने बताए वो सब आ रहे हैं, तो आपको जल्द से जल्द हॉस्पिटल की तरफ आना चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, आप अभी आए, ये भी बहुत सराहनीय है और आपने बहुत अच्छा किया कि आप इस समय पर आ गए हॉस्पिटल। अच्छा सोनाली, ये बताइए कि आपके परिवार में, मतलब आपकी बहनों में से किसी को या फिर आपकी माता जी को, नानी वगैरह को, किसी को ऐसी कुछ दिक्कत हुई है गाय की या ब्लीडिंग वगैरह की? तो सर मुझे ज़्यादा कुछ तो याद नहीं है, लेकिन हाँ मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, मेरे परिवार में मेरी नानी को बच्चेदानी में एक गांठ थी। ठीक है सोनाली जी, अभी मैं कुछ जांच कर लेती हूँ आपकी, उसके बाद आगे देखते हैं क्या। अच्छा, जिसने मुझे बताया कि वो सब कुछ देखने को मिला है, वो सब फाइंडिंग्स मुझे मिली आपके टेस्ट में। सोनाली, तो आगे प्रोसीड करने के लिए ना मैंने दो जांचें लिखी हैं इसमें, जो जांचें आपको करानी है। तो पहला तो मैंने ये मैमोग्राफी लिखा है। मैमोग्राफी मतलब ये एक प्रकार का जैसे एक्सरे होता है, वैसे एक्सरे ही है, ब्रेस्ट का स्कैन है, एक्सरे है। और दूसरी जांच मैंने बायोप्सी लिखी है। बायोप्सी का मतलब कि ब्रेस्ट से कुछ टिश्यू क्लियर।